तेलंगाना विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ओवैसी किंग मेकर बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां उनकी पार्टी AIMIM को पोल स्टार्ट के पोल सर्वे के मुताबिक 6 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान सच साबित होते हैं तो ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में होंगे, जबकि एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस तेलंगाना में BRS पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 49 से 56 सीटें, BRS को 48 से 58 सीटें और BJP को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तेलंगाना की 119 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 60 है। एग्जिट पोल के मुताबिक किसी को बहुमत तो नहीं मिल रही, लेकिन BRS और कांग्रेस इसके करीब जरूर दिख रहे हैं। ऐसे में सत्ता की चाबी ओवैसी के पास होगी। हालांकि पूरी तस्वीर साफ होने के लिए 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव नतीजों का इंतजार करना होगा। तेलंगाना के एग्जिट पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बहुमत पाने में नाकामयाब दिख रही है। जानकार मानते हैं कि बिहार के बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस के लिए ओवैसी घातक साबित हुए हैं। ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव के 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और 1.25% वोट बटोरने में कामयाब हो गए थे। उधर BRS का कहना है कि पिछले चुनाव में भी एग्जिट पोल बुरी तरह से गलत साबित हुए थे, इसलिए उन्हें अपनी जीत को लेकर भरोसा है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो BRS ने 119 सीटों में से 88 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद सरकार बनाई थी। इस चुनाव में उसने अपनी सीटों में जबरदस्त बढ़ोतरी हासिल की थी। वहीं कांग्रेस की सीट हिस्सेदारी 21 से घटकर 19 हो गई थी, जबकि AIMIM 7 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा BJP केवल 1 सीट जीत सकी थी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए TV9 Digital।